बेस्ट लैपटॉप फॉर ऑनलाइन क्लासेस के लिए। तो यार अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हो एंड अगर आपका बजट 90,000 से लेकर 2 लाख है, अगर आपने एज अ क्रिएटर भी काम करना है, एज अ डेवलपर भी काम करना है, अगर आपने कोई हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, 3D वर्क करना चाहते हो, आप सभी के लिए मैं लैपटॉप बताऊंगा। 90,000 से स्टार्ट करेंगे, 2 लाख के बजट तक जाएंगे। एंड मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपका बजट 90,000 से कम है, यार मैंने पहले ही उसकी वीडियो की है मेरे चैनल पर, आपको देखने को मिल जाएगी, उसको चाउड कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं, अगर आपका बजट 90,000 से लेकर 1,10,000 हो जाता है, इस बजट रेंज से स्टार्ट कर देते हैं। तो यार बजट रेंज से स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको कह देना चाहता हूँ, अगर आपका बजट 90,000 भी है ना, तो यार ये बजट भी बहुत ज़्यादा तगड़ा है। अगर आपने ऐसा डेवलपर काम करना है, ऐसा क्रिएटर काम करना है, उसके बाद भी अगर आप आर्किटेक्चर की स्टडी करो भाई, अगर आप सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग करते हो, या अगर आपने कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, वीडियो एडिटिंग करनी है, आप सभी के लिए मैं लैपटॉप बता दूंगा जो कि आपके लिए बहुत गुड डील होने वाली है। अभी बात करते हैं, अगर आपका बजट 90,000 लेके 1,10,000 हो जाता है इस बजट रेंज में, मैं सिर्फ आपको एक लैपटॉप सजेस्ट करना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा तगड़ा है, 2020 में बहुत पसंद किया, बहुत लोगों ने परचेज किया। मैं बात करूं ASUS ROG Zephyrus G14 की। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके कलर एंड इसके डिज़ाइन वगैरह बहुत प्यारे देखने को मिल जाते हैं, प्लस इसकी बैक साइड में आपको LED लाइटिंग देखने को मिल जाती है जो कि आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। आपको डुअल फैन मिल जाते हैं, एंटी डस्ट कूलिंग देखने को मिल जाती है। उसके बाद हम बात करें, इसका नया वेरियंट लॉन्च होने वाला है, आपको अप्रैल या मार्च के मंथ में देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको Ryzen 9 देखने को मिलेगा। एंड ग्राफिक कार्ड की बात करें, आपको 3000 सीरीज़ की ओर से ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाता है। तो भाई अगर आपने उसकी ओर जाना है, आप जा सकते हो, अभी भी आपको स्पेसिफिकेशन बहुत तगड़े मिल जाते हैं, आपको RTX ग्राफिक कार्ड मिल जाता है 2070। उसके बाद हम बात करें, आपको Ryzen 7 भी मिल जाता है, आपको Ryzen 5 भी देखने को मिल जाता है। मतलब जो भी स्पेसिफिकेशन आप लेना चाहते हो, जितना भी आपका बजट है, आप इस लैपटॉप की ओर जा सकते हो। इस बजट रेंज की बात करूं, इस लैपटॉप के सॉरी प्राइस की बात करूं, तो ये 90,000 से स्टार्ट हो जाता है, इसका बजट 2 लाख के बजट तक भी चला जाता है। तो भाई अगर आपको ये लैपटॉप पसंद आता है, सबसे पहले तो आपको पसंद आ ही जाएगा, अगर आपको बहुत सही लगता है तो आप इस लैपटॉप की ओर जा सकते हो, पूरा लोडेड लैपटॉप आपको देखने को मिल जाता है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन तो मैंने आपको बता दिया, ASUS ROG Zephyrus G14 के लैपटॉप पूरा लुटेड है, इसकी डिस्प्ले क्वालिटी बहुत तगड़ी है जो कि 120 रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलती है, स्पीकर्स की क्वालिटी बहुत ज़्यादा सही है, प्लस अगर आपने मतलब डाटा एंट्रीज वगैरह करते हो, जो अगर आपने टाइपिंग वगैरह ज़्यादा करनी है, आपको कोई काम ऐसा है जो अगर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, आपका काम ऐसा कि आपको टाइपिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, आपके लिए भी ये लैपटॉप परफेक्ट डील हो सकता है। अगर आपने गेमिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है, 4K वीडियो एडिटिंग करनी है, कोई हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, कॉलेज यूनिवर्सिटी के रिलेटेड अगर आप कोई काम करना चाहते हो, कोई लोडेड फाइल पे काम करना चाहते हो, आप इजीली नॉर्मली कर सकते हो, जितना भी यूज़ करना चाहते हो आप कर सकते हो। इसका वेरिएंट भी नया लॉन्च होने वाला है, मैंने आपको पहले भी बता दिया, वो बहुत तगड़ा होने वाला है यार, अगर आपने लाइव स्ट्रीम करनी है आप उस पर ईजिली नॉर्मली कर सकोगे। अभी आगे बात करते हैं, अगर आपका बजट 1,10,000 से लेकर 1,15,000 हो जाता है, हम इस बजट रेंज की बात कर लेते हैं। तो यार अभी बात करते हैं, अगर आपका बजट 1,10,000 से लेकर 1,15,000 हो जाता है इस बजट रेंज में, मैं आपको 3 लैपटॉप बताऊंगा, ये तीनों लैपटॉप भी आपको पूरे लोडेड मिलने वाले हैं। तो बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 पर यार मैंने रखा है ASUS ZenBook Duo को। अगर इस लैपटॉप की बात करूं, सबसे पहले आपको डुअल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, सेकंड डिस्प्ले आपको टच स्क्रीन देखने को मिलेगी, लैपटॉप आपको पूरा लोडेड देखने को मिल जाता है, इसका डिज़ाइन वगैरह बहुत ज़्यादा प्यारा है। एंड भाई अगर आपने वीडियो एडिटिंग करनी है, फोटो एडिटिंग करनी है, एनिमेशन करनी है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है, अगर आप आर्किटेक्चर हो, आप सभी के लिए ये बेस्ट डील हो सकता है, बिकॉज आपको टच स्क्रीन के साथ देखने को मिलेगा, जो भी आप काम करना चाहते हो तो आपका वो काम बहुत तगड़ा होने वाला है। एंड आपको 32GB रैम भी मिल जाती है, आपको 64GB रैम तक एक्सपेंडेबल करने का ऑप्शन भी मिल जाता है, आपको Full HD+ डिस्प्ले भी मिल जाती है, आपको 4K डिस्प्ले भी देखने को मिल जाती है। इसके प्राइस रेंज की बात करूं, इसका प्राइस भी यार 95,000 से ये लैपटॉप स्टार्ट हो जाता है, इसका बजट भी 2 लाख के बजट के मतलब 3 लाख के प्राइस तक भी इसका प्राइस चला जाता है यार। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया ASUS ZenBook Duo की, ये लैपटॉप भी बहुत ज़्यादा तगड़ा। अगर आपने एनिमेशन करनी है, कार्टून ड्रॉ करते हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है, फोटो एडिटिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है, मतलब कोई भी ऐसा क्रिएटर आप काम करना चाहते हो, आप सभी के लिए बेस्ट डील हो सकती है। अभी आगे बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 पर यार मैंने रखा है माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस बुक 3 को। तो यार अगर आपको 2-in-1 लैपटॉप चाहिए, ये लैपटॉप आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है। आप इसको एज अ लैपटॉप भी यूज़ कर सकते हो, एज आप टैब भी यूज़ कर सकते हो, प्लस ये भी आपको टच स्क्रीन देखने को मिलेगा। तो भाई अगर आपने एज अ क्रिएटर काम करना है, एज अ डेवलपर काम करना है, ये लैपटॉप भी आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है। इसके स्पेसिफिकेशन बहुत तगड़े हैं, आपको 8GB रैम भी मिल जाती है, आपको 16GB रैम भी मिल जाएगी, आपको 32GB रैम भी मिल जाएगी। उसके बाद ग्राफिक कार्ड की बात करूं, आपको 4GB ग्राफिक कार्ड भी मिल जाता है, आपको 6GB ग्राफिक कार्ड भी देखने को मिल जाता है। इसके 2 विंडो आते हैं, आपको 13-inch डिस्प्ले भी मिल जाती है, आपको 15-inch डिस्प्ले भी देखने को मिल जाती है। तो आप देख लेना,
अगर आपको डिस्प्ले साइज़ बड़ा चाहिए तो आप 15 की और जा सकते हो, अगर आपको डिस्प्ले साइज से मैटर नहीं करता इतना तो आप 13 इंच की और भी जा सकते हो। अभी आगे बात करते हैं नंबर टू की, तो नंबर टू पर यार मैंने रखी है HP Spectre X360 को। अगर इस लैपटॉप की बात करूँ, सबसे पहले ये दो कलर्स में देखने को मिलती है, तो दोनों ही कलर्स वगैरह बहुत इसको सूट करते हैं, प्लस आपको डायमंड कट शेप में इसका डिज़ाइन जो है वो देखने को मिलेगा, जो कि सच में बहुत ज़्यादा तगड़ा है, ठीक है। इसको प्लस यार जो इंटरनेशनल क्रिएटर्स है, अपने इंडियन के हो गए या कोई और कंट्री का हो गया, इसको बहुत पसंद करते हैं, बिकॉज इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसकी डिस्प्ले के स्पेसिफिकेशन आपको बहुत ज़्यादा तगड़े मिल जाते हैं। प्लस मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें भी आपको वेरिएंट वगैरह बहुत देखने को मिलेंगे। इसके प्राइस रेंज की बात करूँ, ये 1,10,000 से स्टार्ट हो जाती है, एंड इसका बजट रेंज भी यार 2,00,000 के बजट तक भी चला जाता है। आपको फुल HD डिस्प्ले भी मिल जाती है, आपको 4K डिस्प्ले भी देखने को मिल जाती है, तो आप देख लेना। अगर आपको i5 चाहिए, i7 चाहिए, वो भी मिल जाएगा। अगर आपको अगर आपको 8GB रैम चाहिए, 16GB रैम चाहिए, वो भी आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। मैंने सभी के लिंक प्रोवाइड किया, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चेकआउट कर लेना। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको इन तीनों लैपटॉप्स के भी बता दिए, ये तीनों लैपटॉप भी यार पूरे लोडेड मिल जाते हैं। अगर आपने कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर काम करना ना, आज तक के कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर पे काम करना है, आप इजीली नॉर्मली कर सकते हो। यार ऑनलाइन क्लासेस तो बहुत दूर की बात है यार, वो तो स्पेसिफिकेशन आपको नॉर्मली मिल ही जाते हैं। अगर आपने एज अ क्रिएटर काम करना है, एज अ डेवलपर काम करना है, या अगर आपने लॉन्ग टाइम पर इस लैपटॉप को रखना है, 4-5 साल से भी अगर आप ज़्यादा टाइम रखना चाहते हो, आप ले सकते हो। प्लस इनके जो डिज़ाइन है, इनकी जो लुक है, वो बहुत ज़्यादा सही है, कलर वगैरह भी बहुत पसंद आने वाले हैं आपको। अभी आगे बात करते हैं, अगर आपका बजट 1.5 लाख से लेकर 2 लाख हो जाता है, हम इस प्राइस रेंज की बात कर लेते हैं। तो यार अगर आपका बजट 1.5 लाख से लेकर 2 लाख हो जाता है, इस बजट रेंज में यार मैं आपको 5 लैपटॉप बता सकता हूँ, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, मैं आपको 2 लैपटॉप बताऊंगा, बट मैं सभी के लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको। अगर आपने ऐसा गेमिंग के लिए लेना है, वो भी आपको मिल जाएगा। अगर आपने वीडियो एडिटिंग के लिए लेना है, वो भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको एक प्रीमियम डिज़ाइन चाहिए, वो तो मैं आपको बताने लगा, लेकिन अगर आपको गेमिंग के लिए चाहिए, मैंने लिंक प्रोवाइड किए हुए हैं आपके लिए, बेस्ट डील हो सकती है। अगर आपने लाइव स्ट्रीम करनी है, गेमिंग करनी है, कॉलेज के लिए भी चाहिए, यूनिवर्सिटी के लिए भी चाहिए, कोई हैवी सॉफ्टवेयर भी यूज़ करना है, कोई भी काम करना चाहते हो, आप इजीली नॉर्मली कर सकते हो। अभी आगे बात करते हैं, मैं आपको अभी 2 लैपटॉप बताऊंगा जिनका दोनों का प्रीमियम टच देखने को मिलता है। मैं बात करूं एप्पल मैकबुक 13 की, एंड मैं बात करूं एप्पल मैकबुक प्रो की। मैं आपको ज़्यादा डीपली नहीं बताऊंगा, इनकी डिस्प्ले क्वालिटी बहुत तगड़ी है। अगर आपने कलर ग्रेडिंग करनी है, आप सभी के लिए बेस्ट डील हो सकती है, स्पेसिफिकेशन बहुत तगड़े हैं, तो ये आप पर अभी आप जो भी स्पेसिफिकेशन लेना चाहते हो आप ले सकते हो। प्लस मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो एप्पल मैकबुक 13 है वो M1 चिपसेट के साथ देखने को मिलती है, लेटेस्ट प्रोसेसर है, बहुत तगड़ा प्रोसेसर है। प्लस मैं आपको ये भी बात कह देना चाहता हूँ, आपने 16GB रैम की और मिनिमम जाना ही जाना है, आपने 8GB रैम की और बिल्कुल भी नहीं जाना, ठीक है, बिकॉज इन फ्यूचर आपका काम नहीं चलेगा। लेकिन 16GB अगर आप ले लेते हो, आपके लिए बहुत तगड़ी हो जाती है। अगर आपने कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, 16GB रैम जो है वो आपको बहुत हेल्प करेगी। तो यार अभी मैंने आपको एप्पल मैकबुक प्रो के बारे में भी बता दिया, एप्पल मैकबुक 13 के भी बारे में बता दिया। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि आपने 16GB रैम के और मिनिमम जाना, उसके नीचे आपने नहीं जाना, बिकॉज अगर आप गूगल पर सर्च आउट करना चाहते हो ना, 8GB रैम कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो ना, उसका मिनिमम होता ही होता है, ठीक है, उन्होंने कहा ही होता है कि 8GB रैम जो है वो मिनिमम होने चाहिए, तो आपको उसके अपर ही जाना है, आपने 16GB रैम के और मिनिमम जाना ही जाना है। अगर आप इन फ्यूचर अगर आप 4-5 साल रखना चाहते हो तो आपको कोई भी इशू प्रॉब्लम नहीं आने वाली। प्लस मैं आपको पहले भी बता दिया, अगर आपको गेमिंग लैपटॉप चाहिए, जब गेमिंग डिजाइन में लैपटॉप चाहिए, फुल लोडेड लैपटॉप चाहिए, मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, आपको देखने को मिल जाएगा। मैं आपको बता नहीं रहा बिकॉज यार वीडियो का लेंथ ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। मैंने सभी के लिंक प्रोवाइड किया, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा तगड़े हैं। प्लस अगर आपने अपना PC बिल्ड करना है, उनके भी लिंक आपको सभी देखने को मिल जाएगा, उसको चेकआउट कर लेना, आपके बहुत काम आएंगे। तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है खत्म। मैंने अभी आपको बहुत तगड़े लैपटॉप बताए, 90,000 स्टार्ट किया, 2 लाख के बजट में मैंने आपको 5 लैपटॉप बता दिए। इन 5ों में से यार अगर आप कोई भी लैपटॉप ले लेते हो ना, आपके लिए बहुत तगड़े होने वाले हैं। लॉन्ग टाइम पीरियड यूज़ कर सकते हो, हैवी सॉफ्टवेयर पे काम कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, गेमिंग कर सकते हो, लाइव स्ट्रीम कर सकते हो, या अगर आपने कोई भी काम करना है आप इजीली नॉर्मली कर सकोगे। मैं बार बार रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ बिकॉज यार बहुत बंदे मैसेज करते हैं, मैं बता भी देता हूँ, वो फिर भी मुझे मैसेज करते हैं कि भाई मैं इस पर ये काम कर सकूँगा, ये मैं इस पर ये काम कर सकूँगा। तो भाई हाँ, जो भी काम करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है खत्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, यार वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भेज देना, दोस्तों के भी दोस्तों को भेज देना, उनको भी कह देना कि चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक, करें इंस्टाग्राम पे कर ले फॉलो, लिंक वगैरह यार आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चेकआउट कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो मेरे वीडियो के साथ, थैंक यू।